राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे सेक्शन 151 धारा 151। धारा 151 का चालान क्या है? अक्सर सुनने में आता है कि 151 का चालान हो गया। 151 का चालान कब होता है, कैसे होता है, कौन करता है, कितने दिन के भीतर होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है, और इसका गलत दुरुपयोग कैसे हो रहा है, इन सभी विषयों पे बिंदुवार चर्चा करूँगा एक एक करके। मैं इस वीडियो से पहले भी धारा 107 16 की नोटिस, 111 की नोटिस क्या होती है, इन सब विषयों पे एससी एसटी से संबंधित लगभग जितने भी प्रोविजंस हैं, कितनी राहत रास मिलती है, कैसे क्या होता है, कब एफआईआर दर्ज होता है, कैसे बचें, कैसे एफआईआर दर्ज कराएं, लगभग 5500 से ज़्यादा वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे। आप लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ से बहुत कुछ आपको लाभ मिला भी होगा। ठीक, आज फिर एक बार 151 पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये ना केवल जो पीड़ित लोग हैं उनके फायदे के लिए है, बल्कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जो प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं, हमारे अधिवक्ता साथी, सभी के लिए लाभदायक। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए लाभफुल नहीं है, सभी के लिए फायदेमंद है। 151 का चालान आए दिन अक्सर होता रहता है। कभी कभी तो देखिए मारपीट हुई है, कभी कभी मारपीट हुई है, एक पक्ष मारा गया है घर में बंद करके या घर से बाहर ही, और वो थाने पर एफआईआर दर्ज करने गया, पता चला उसी का 151 में चालान हो गया, या वो एफआईआर दर्ज करने गया जिस पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए उसका केवल 151 का चालान करके पुलिस ने छोड़ दिया। कितना गलत है, यानी पुलिस क्या करती है इस स्थिति में, पैसा खा करके, राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत व्यवहार के कारण जहां एफआईआर दर्ज करना चाहिए वहां आरोपी व्यक्ति पे 151 का चालान कर देती है, स्वयं पीड़ित का ही 151 में चालान कर देती है। खैर चलिए आइए समझते हैं 151 में। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये नंबर मैं ऑलरेडी दे रखा हूं, जो व्यक्ति पीड़ित हैं, किसी भी तरह से परेशान हैं, वो इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार लीगल एडवाइस ले सकते हैं। हाँ, इसकी जो फीस होगी वो आपको जमा करनी होगी, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे जानकारी लेने के लिए तो बिना फीस के कोई आपको परामर्श नहीं देगा, और सही और सटीक परामर्श लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए 151 का चालान क्या होता है, पहले एक कानून है क्या। सीधा सा मतलब ये है कि जब कभी कोई व्यक्ति कोई गंभीर अपराध करने वाला हो, अपराध हुआ नहीं हो, 151 समझिए जैसे बीमारी का टीका होता है ना, बीमारी का टीका, बीमारी होने से पहले टीका लगा दो जिससे बीमारी होने से बच जाए, उस समस्या से वो व्यक्ति बच जाए, उसी तरह से 151 है, अपराध होने से पहले 151 की कार्रवाई कर दो जिससे अपराध होने की जो संभावना है वो रुक जाए। तो 151 अपराध का टीका की धारा है, ठीक है, यानी जैसे बीमारी के लिए टीका लगता है वैसे अपराध रोकने के लिए 151 का टीका लगता है। खैर चलिए 151 का मेन मकसद ये है कि अगर कहीं कोई व्यक्ति गंभीर अपराध, जो विधि विद्यार्थी हैं वो समझें संज्ञेय अपराध, सामान्य व्यक्ति समझे कि गंभीर अपराध, ठीक है, मारपीट का अपराध होने वाला, चोरी, लूट, डकैती, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, दंगा, हत्या, रेप जैसे अपराध होने वाले हैं, सब गंभीर अपराध है। तो कहीं गंभीर अपराध होने वाला है, चाहे वो एक सिंगल व्यक्ति कर रहा हो, समूह में लोग कर रहे हों, ठीक है, कोई समुदाय कर रहा हो, तो ऐसे कर रहे हो नहीं, करने वाले हों, प्रबल संभावना हो कि कहीं ऐसा गंभीर अपराध हो जाएगा, लोग करेंगे, जमीनी विवाद है मारपीट करेंगे, खेत का विवाद है मारपीट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को जब इसकी सूचना मिलती है तो तुरंत ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट कर सकती है, ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट अगर वो करती है तो 24 घंटे तक अपने पास थाने में बैठा सकती है, हवालात में, ठीक है, थाने में जब रखते हैं तो हवालात में रखते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं तो वहाँ से फिर जेल में जाते हैं, तो 24 घंटे तक तो अपने पास रख सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकती है। हाँ, वहीं पे कभी कभी होता है कुछ ले दे करके अपना रफा दफा हो गया, मामला छोड़ दिया गया, लेकिन पेश करने के बाद उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर करना होता है,
कार्यपालक में सीनियर से डीएम कोर्ट में जनरली ये पेश होता है। अगर जहाँ कमिश्नरी सिस्टम लागू है वहाँ कमिश्नरेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक, तो एसडीएम के सामने जब पेश किया जाएगा तो ये कब लागू होता है, मैंने बता दिया कि जब कोई गंभीर अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं होने वाला हो, हुआ नहीं है, होने वाला है, प्रबल संभावना है हो जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो संबंधित व्यक्तियों को वहाँ अरेस्ट करके ठीक है कोर्ट में पेश किया जा सके। कोर्ट का मतलब है यहाँ एसडीएम का कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ तो नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी 24 घंटे से अपने पास रख नहीं सकती पुलिस, तो क्या करेगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देगी, यानी एसडीएम के यहाँ पेश कर दिया जाएगा, जहाँ महानगर क्षेत्र है वहाँ कमिश्नरेट के यहाँ पेश कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, तो पेश करने के बाद होगा क्या, अब प्रश्न ये है, 151 में कोई चालान वालान की बात नहीं की गई है, कोई समय में कुछ नहीं बताई गई, बस इतने लिखा है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए, उसकी पावर है, लेकिन अब करेंगे क्या, तो अब करेंगे क्या, ये यहाँ चैप्टर 8 की प्रोसीडिंग कर देते हैं, यानी धारा 107 का आधार दिखा देते हैं, 108 9 10 का आधार दिखा देते हैं कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर व्यक्ति है, गुंडा एक्ट लगने का भी रिकमेंडेशन कर देते हैं कभी कभी, या 107 की कार्रवाई कर देते हैं, यानी उसे सिक्योरिटी मांगते हैं तो जमानत करवानी पड़ती है। व्यवहार में क्या होता है, जब उसको पेश किया जाता है तो थाने से मांगते हैं, तो खैर वो एसडीएम को तो नहीं पेश किया गया, वो गलत तरीका है, एसडीएम कोर्ट में पेश करते हैं तो एसडीएम को पावर है कि वो जो है यहाँ से सिक्योरिटी मांगता है कि जमानत करवाइए अपनी, तभी हम छोड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ तो बिना जमानत को वो नहीं छोड़ सकता, ये कानूनी प्रावधान है, तो उसे जमानत करवानी पड़ती है। ठीक, तो जमानत कौन करवाएगा, जो गिरफ्तार हुआ है, जितना एसडीएम तो कहाँ किस धारा में करेंगे, 107 में, तो ये अंतरिम प्रतिभूति मांग लेते हैं, 107-16 की कार्रवाई कर देते हैं, ठीक है, या अगर आरोप सत्य प्रतीत हो रहा है तो 107 के तहत मांग लेते हैं, तो कितने समय के लिए, 107 की कार्रवाई कर रहे हैं तो अधिकतम 1 साल के लिए, ठीक है, और 107-16 की कार्रवाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने तक जांच पूरी होना हर हालत में चाहिए। तो व्यवहार में होता यह है कि अंतरिम प्रतिभूति मांग ली जाती है, 6 महीने तक के लिए आदेश प्रभावी रहता है, 6 महीने तक अगर वो व्यक्ति शांति व्यवस्था बनाए रखे तो मामला खत्म हो जाता है, लेकिन अगर कहीं बीच में ही जाँच चल रही हो, पूरी हो गई, तो फिर उस आदेश को अधिकतम 1 साल के लिए, या 110 की कार्रवाई हो रही है तो 3 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। खैर चलिए, जमानतदार कोई भी व्यक्ति बन सकता है, जितना जमानत मांगा गया है, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी मांगा गया है, आप रिक्वेस्ट करके ठीक है प्रार्थना करके अपना कम भी करा सकते हो, ऐसा नहीं कि जो बोल दिया गया वो ब्रह्मा की लकीर है, वो कम भी हो सकता है। फिर उतनी राशि पे आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर वो 117 की कार्रवाई की गई है तो वो जितने समय के लिए कहा गया उतना समय के लिए आपको शांति बनाए रखना होगा, अन्यथा फिर शर्तों का वायलेशन हो जाएगा, आप अरेस्ट होकर जेल भी जाओगे। और अगर 16 की कार्रवाई हुई है तो जांच उसकी होगी आगे, जांच नहीं पूरी हो पाएगी तो 6 महीने बाद ही केस खत्म हो जाएगा, अगर जांच पूरी हो गई, आरोप सही पाया गया, तो उसे अधिकतम 110 की कार्रवाई करते हुए 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता है, या 107 या 8, 9, 10 की नौ की कार्रवाई हुई है तो अधिकतम 6 महीने के वो 1 साल के लिए उसे बढ़ाया, जैसे अधिकतम 1 साल हो सकता है, अगर 6 महीने पहले बीत गया तो 6 महीने और होगा। ठीक, दूसरी बात, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 108 9 10 के तहत कार्रवाई एसडीएम कर रहा है ना तो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, ध्यान रखना। दूसरा, सजा क्या है, तो सजा वही है जितने दिन के लिए प्रतिभूति मांगी गई है, उतना दिन आपको शांति व्यवस्था बनाए रखना होगा, अगर आप नहीं दे पाते हो तो फिर आपको उतने दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा, ध्यान रखना, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, अगर आप बंध पत्र नहीं भरते हो, यानी जमानत नहीं करवाते हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जमानतदार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, माइनर को छोड़ करके, ना तो रिश्तेदार हित बंधु कोई भी हो सकता है। जमानत की जो राशि मांगी जाती है जनरली वो कैश होती नहीं, तो आप अपनी गाड़ी पे या खेत पे या मकान पे जमानत ले सकते हो, जमानत लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर उसने शर्तों का वायलेशन किया तो जो जमानतदार बना है फिर उसकी वो राशि जब्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जमानत कैसे कराएं, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर इसका गलत उपयोग क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया कि जो है गिरफ्तार कोई व्यक्ति के साथ मारपीट हो गया है, मारा गया है घर में बंद करके, ठीक है, अपराध उसके साथ हुआ है, और उसी का 151 में चालान पुलिस कर देती है, यानी इसका मतलब क्या है कि उसको दबाया जा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है कि तुम अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लो वरना तुम्हारी ही खैर नहीं होगी, तो उल्टे चोर उसी को डांट रहा है। या कभी कभी क्या होता है कि अपराध तो गंभीर हुआ है, आरोपी ने गंभीर अपराध किया है,
लेकिन एक पक्षकार ज़्यादा जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उसका सपोर्ट नहीं है लोगों का, समाज का, अशिक्षित हैं लोग, वो जान नहीं पाते हैं इसमें क्या लीगल प्रोसीडिंग होती है। थाने पे गए, उनके साथ अपराध हुआ है, बहन बेटी के साथ उनकी इज्जत लूटी गई है, थाने पे गए शिकायत करने के लिए, ठीक है, पुलिस ने क्या किया कि FIR ना दर्ज करके उसमें 151 का चालान कर दिया, गिरफ्तार कर लिया तुरंत। ये पीड़ित बेचारे खुश हो गए, अरे तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, 151 का चालान कर दी, पता चला जो है उसमें 20 दिन के लिए 1 महीने के लिए प्रतिभूति मांगा, उसके बाद वो बाहर आ गया। तो ये कोई उपचार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी माँ बहन का इज्जत लूटा है या छेड़खानी की है या किसी को मारा पीटा है, तो उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, ना कि 151 का चालान। अगर 151 का चालान कर रहे हैं कि फर्दर ऑफेंस ना करें इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है आप 151 का चालान भी करिए, लेकिन उस पर लीगल जो प्रोसीडिंग है FIR दर्ज करने का वो भी दर्ज करिए और उस पर विवेचना करके उसका चार्जशीट कोर्ट में पेश करिए, जिससे जो पीड़ित है उसको पता चले। पता चला वो 6 महीने के लिए बंधपत्र भरवा लिया 151 में, और वो जब तक 6 महीने बाद उसमें कोई जांच हुई नहीं, अपने आप खत्म हो गया, 6 महीने बाद वो व्यक्ति बाहर आ गया, पीड़ित खुश है कि तो 6 महीने तो सजा काट के, अरे कौन सा सजा काट के आया साहब, कोई सजा काट के नहीं आया, ये तो आपको बेवकूफ़ बना दिया गया, पीड़ित को बेवकूफ़ बना दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लीगल प्रोसीडिंग की जानकारी लेने के लिए नंबर मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ, अब मात्र इसकी फीस जो है एक मिनिमम फीस रखी गई है, ठीक है, वो फीस आप जमा करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, और अन्यथा जो फीस बचाने के चक्कर में आपके कई ज़्यादा उससे नुकसान हो जाएंगे। दूसरा, इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये कि अगर 151 का चालान हो गया तो ध्यान रखिएगा, 151 का चालान हो गया तो बाद में फिर आप निशाने में रहेंगे, आपकी लिस्ट थाने पर बन जाती है, थाने पे बन जाती है, बाद में आप पे गंगस्टर एक्ट या गुंडा एक्ट भी लगाने की सिफारिश आगे के मामलों में हो सकती है। तो इसका प्रभाव कोई बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो प्रिवेंटिव नेचर का मामला हो चाहे प्यूनिटिव नेचर का मामला हो। तो हमेशा कोशिश करिए आपराधिक दुनिया से दूर रहिए। मैं सभी व्यक्तियों को सुझाव देता हूँ, 2 बात सह लीजिए, 1 रोटी मत खाइए, लेकिन आपराधिक दुनिया से दूर रहिए। कभी भी ऐसी स्थिति ना आने पाए, हर संभव कोशिश करिए कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े आपको। लेकिन कभी कभी लोग बड़े जोश में होते हैं, पैसे की गर्मी होती है, शरीर की ताकत की गर्मी होती है, नहीं हम देख लेंगे कोर्ट कचहरी में, तो चक्कर लगाओ, फिर नहीं समझ में आता है तो चक्कर लगाओ, जब चक्कर लगाते लगाते पैर के तलवे घिस जाएंगे तब समझ में आएगा कि अभी तो गलत हो गया, समझौता करना चाहिए, फिर दूसरों को नसीहत देना शुरू करोगे। हट चलिए, अगर कोई समस्या आती है किसी को किसी विषय पे, तो मैं ऑलरेडी नंबर दे रखा हूँ, आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ PCHJ APOHJS की तैयारी भी कराई जाती है। अगर कोई बच्चा LLB करना चाहता है या LLB कर रहा है या कर चुका है और वो इस तैयारी के क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसका स्वागत है। इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके वो ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन